मुझे नहीं पता आपने इस गवाही को किस मन से सुना है, पर जब मैं सुन रहा तो मैं बड़े दिल से खुदा का धन्यवाद कर रहा, दिल से ऐसे। इस बहन का नाम सीमा है और जमुदल गांव के रहने वाले हैं, और इनका जो बेटा है इसकी गवाही जी है, जो बता रही कि पिछले मंगलवार रात को एकदम से इसको सांस की प्रॉब्लम हो गई, इस बच्चे को सांस नहीं थी आ रही, और जिसके कारण इसका फेस भी टेढ़ा हो गया, और जैसे इन्होंने प्रेयर टावर में रात के समय कॉल की, इसके लिए प्रार्थना कराई, और जब बता रही कि जो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी परमेश्वर ने अच्छा किया, और फिर जो नेक्स्ट अगले दिन ही भवन में आए टीम के साथ इन्होंने मीटिंग की, इन्होंने भी इनको उत्साहित किया, और बता रही कि उसके बाद इन्होंने थर्सडे की मीटिंग को अटेंड किया, और जैसे ही प्रभु के दास के साथ इन्होंने मीटिंग की और प्रभु के दास के द्वारा इस बच्चे के लिए प्रेयर हुई, और जब बता रही कि जो इसके फेस टेढ़ा हो गया था, और इन्होंने वो पिकनी इनके पास नहीं है, और जो बता रही कि बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम थी, इसका पूरा फेस भी सूज गया था, स्वेलिंग हो गई थी, और जैसे ही थर्सडे की मीटिंग में इसके लिए प्रेयर हुई, और आज इनका बेटा पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से परमेश्वर इसको आज़ाद कर दिया है, और इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया। हनेरी ते तूफान सारे यसु थलेना, हनेरी ते तूफान सारे यसु थलेना, ओ एथे निशे दरा तेरा जोर चलेना, हनेरी ते तूफान सारे यसु थलेना, ओ एथे निशे दरा तेरा जोर चलेना। इस बच्चे को लेकर आओ अभी आगे जो भी है। हाँ, इसकी कोई पुरानी पिकनी थी कोई? हाँ? हाँ, तो देखो मुझे याद है ये शायद मंडे की जो पर्सनल मीटिंग होती है उसमें भी ये लेकर आए थे, तो तब इसकी काफी कंडीशन कुछ हम पहले भी मिले कुछ सही थी और कुछ अभी रहती थी, और आज आपके सामने और भी उसे इसे कुछ और भी आप बताते थे उस दिन मंडे, क्या बताते थे इसके फेस के टेढ़े के कारण और इसे क्या हो गया था साथ में? हाँ, माइक माइक से बात किया करो। जय मसीह की, पापा जी जय मसीह की। माइक की आवाज नहीं है इनकी। हेलो, हाँ बोलो। मेरे नाक से ब्लड आ गया पापा जी। नाक से ब्लड आ रहा था, जख्म जख्म हो गया था। अभी दिखाओ, ऐसे घूमो थोड़ा सा, फेस दिखाओ मुझे, इधर को इधर को। मुंह टेढ़ा हो गया। अब सीधा, वो सीधा। अभी ध्यान से, हम भी भूल गए उस दिन कि हमने इसकी कोई पिक नहीं ली, इसके अंदर नाक के अंदर भी साथ में एक जख्म हो गया था। क्या हो गया था? और पूरा इस नाक ऐसे सूज गया था, और इसको सांस लेने में भी तकलीफ आ रही थी। क्या रही थी इसको सांस लेने में भी तकलीफ आ रही थी, और मैं ऐसे देख रहा, जिस दिन ये आया तो मैं इसके नाक को मैं ऐसे पकड़ कर ऐसे बोल रहा हूँ कि ये छोटी सी एज है, इसका नाक इतना कैसे ज्यादा है, क्योंकि छोटा है ना अभी। तो मैं जब आया तो मुझे नहीं पता था, मैं ऐसे ये आया तो मैंने कहा इतना मैं इसका नाक पकड़ कर रहा था, मुझे नहीं पता, मैंने कहा इसकी छोटी सी एज है, इतना बड़ा नाक है इसका। तो इन्होंने बताया है कि इसके नाक के चक्र हो गया है, और पूरा सूजन आ गई, उस पर सूज गया, इसको सांस लेने में भी, ये क्या हो रहा है सारा, ये चेंज क्यों करते हो? तो समझ आ रही है? वो खुद कहां है, वो खुद कहां है? तो मैं बोल रहा था कि ऐसे कुछ मुझे ऐसे लग रहा था इसका है ही ऐसे है ना, नाक शायद इसका ऐसे ही है, क्योंकि छोटी है तो मुझे लग रहा था ऐसे। और आज देखो, हम भी भूल गए उस दिन, अगर इसकी पिक लेते और दिखाते, इतना पूरा सूजा हुआ नाक, इतना मोटा, और आज देखो कौन है, कौन है बोलो। मुझे नहीं पता आपने इस गवाही को किस मन से सुना है, पर जब मैं सुन रहा तो मैं बड़े दिल से खुदा का धन्यवाद कर रहा, दिल से ऐसे, क्योंकि मेरी आदत, जब परमेश्वर कोई भी काम करता तो मैं दिल से, मेरी अंदर से आवाज निकलती है परमेश्वर सचमुच महान,
और ये छोटी बात नहीं है। बोलो के फेस टेढ़ा हो गया, नाक में जख्म हो गया, इतना पूरा सूज गया, इसको सांस लेने में तकलीफ आ रही थी। क्या आ रही थी? सांस लेने में इसे तकलीफ आ रही थी, और बुखार भी हो गया था इसको साथ में। बुखार नहीं थी, हाँ तो समझ आ रही है। और ये छोटी बात नहीं, अगर ये प्रभु में ना होते तो शायद हॉस्पिटल में होते। वो बोलते नाक में ये हो गया, ये करना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा, इसका फेस है, इसका ये इतने समय का ये इलाज है, इतना टाइम लगेगा। कुछ भी हो सकता है कि नहीं, पर कभी कभी जब परमेश्वर आसानी से कुछ कामों को कर देता तो हमें भी लगता बस ऐसे ही है। हाँ, परमेश्वर ने समुद्र को धोबा कर दिया, इसराइलियों को लगा ये छोटी सी बात है। बोलो क्या है? इसीलिए वो परमेश्वर के बड़े कामों को देखकर भी कईयों का विश्वास बना, उनका विश्वास नहीं बना बहुत सारा। तो ये छोटी बात नहीं है समुद्र का दो भाग होना, कई इसराइली देखकर भी विश्वास नहीं कर पा। इसलिए ये मैं रिपीट इसलिए करा रहा हूं गवाहियां, ताकि आपका विश्वास बढ़े, ताकि आप अपनी गवाही को, अपने काम को परमेश्वर से ले सकें और एक ब्लेस्ड जीवन जिए यीशु मसीह के नाम से। आमेन। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से।